एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डॉग के डाइट चार्ट की। जी हाँ, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव होते हैं कि मेरा डॉग 15 डेज का है, मैं उसको क्या खिलाऊं, 25 डेज का है, 3 मंथ्स का है, 8 मंथ्स का है, आप अपने बच्ची को क्या डाइट देते हैं, मेरा डॉग पतला है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हो रहा है, तो मैं उसको क्या खिलाऊंगी। तो आज सभी क्वेश्चन के मैं आंसर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ कर दें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हमें और वीडियोज़ बनानी चाहिए। तो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। आती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम कभी भी पपी को मिल्क नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि अपने डॉग को मिल्क पिला देते हैं, कि हर कोई यही सबसे पहले सबके माइंड में यही थॉट होता है कि दूध दे दो, या ये हर किसी के माइंड में यही होता है, पर दूध नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं देते हैं, बिल्कुल क्रॉस है। क्यों नहीं देते हैं पहले उसकी बात करते हैं। क्योंकि जैसे बॉर्न पपी जो होता है उनके पेट में कीड़े होते हैं ऑलरेडी, पहले से ही उनकी डीवॉर्मिंग नहीं होती, उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई होती, तो हम लोग उनको जब मिल्क देते हैं, जो मिल्क में बैक्टीरिया होते हैं वो जब उन कीड़ों के साथ मिल जाते हैं तो वो डायरिया कर देते हैं पपी को, जिससे वो उनको वॉमिटिंग, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, और जो छोटा पपी है वो झेल नहीं पाता उस चीज़ को, वो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो सबसे पहली बात तो ये आपको माइंड में रखनी है कि जब भी आप डॉग को लेके आ रहे हो उसको कभी भी गलती से मिल्क नहीं पिलाना है, कभी भी नहीं पिलाना। अगर आपको पिलाना भी है इतना सा मिल्क लेंगे, वो भी विदाउट जो बॉयल वाला, विदाउट बॉयल वाला होता है वो वाला लेना है, इतना सा मिल्क और इतना पानी, बिल्कुल कच्ची लस्सी बना के वो आप दे सकते हैं। बात आती है कि हम पपीज को खिला क्या कह सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपको 1 मंथ तक उसको अपनी मम्मा का मिल्क ही देते रहना चाहिए। मतलब 1 मंथ का पपी, 1 मंथ के बाद का ही आप पपी अपने घर लेके आओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप उसके 15 डेज का या 16 डेज का ले आते हो कोई बात नहीं, आपको करना है कि आपको सेरालैक लेके आना है, डॉग सेरालैक। एक बेबी सेरालैक आता है, एक डॉग सेरालैक आता है। बेबी वाला नहीं खिलाना, आपको गलती मत करना बेबी वाला सेरालैक खिला के, उसमें शुगर होता है, बहुत सारी और ऐसी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो डॉग के लिए हेल्दी नहीं होते हैं। तो आपको डॉग सेरालैक लेना है, आप नियोलैक ले सकते हो, और सबसे बेस्ट सेरालैक मैं आपको बता सकती हूँ सैमोलैक, जो मैंने रिची को भी खिलाया हुआ है, वो आप या तो पानी में दे सकते हो 2 चम्मच, या आप उसको दे सकते हो कर्ड में, कर्ड को थोड़ा सा पानी मिला के पतला करके 2 चम्मच सेरालैक डाल के वो आप खिला सकते हो, इतना एक कटोरी बन जाता है वो, मतलब एक कटोरी दही लेके 2 चम्मच उसमें सेरालैक, ये आप दिन में 4 से 5 बार उसको खिला सकते हो, या उसकी जितनी डाइट है उस अकॉर्डिंग खिला सकते हो। ये मत सोचना कि हाँ ये बहुत ज़्यादा खा रहा है, ये सिर्फ कुछ थोड़े टाइम ही खाते हैं, 6-7 महीने ही ये इतना खाते हैं, उसके बाद वो उनकी जो डाइट है वो कम होती जाती है। जितने वो छोटे होंगे उतना वो ज़्यादा खाएंगे, जितने वो बड़े हो जाएंगे उतना वो कम खाते जाएंगे। तो अभी उसकी डाइट जो बिल्कुल अच्छे से रखना, जो खा रहा है खिलाने, मतलब जितना खा रहा है उसको खाने देना, बाद में उनकी डाइट खुद ही कम होती जाएगी। तो पहली चीज़ ये, वैक्सीनेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए। वैक्सीनेशन जो फर्स्ट वैक्सीनेशन लगती है वो लगती है 45 डेज के बाद। जब वो 45 डेज का कंप्लीट हो जाएगा आपका पपी, आपको सब कुछ रेगुलर नोट करना पड़ेगा, कब आप लेके आए, वो कब उसका, मतलब कब उसका जन्म हुआ था, वो कितने दिन का हो चुका है, बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिस दिन वो 45 डेज का हो गया उस दिन नेक्स्ट डे ही आपको उसको वैक्सीनेशन के लिए लेके जाना पड़ेगा, बिल्कुल भी इसमें देर मत करा करिएगा, क्योंकि हल्का सा फीवर भी होता है या कोई भी उसको कुछ बीमारी भी लगती है वो बहुत जल्दी पकड़ लेगी अगर उसको वैक्सीनेशन नहीं हुई होगी तो। आप टोटल वैक्सीनेशन लगती है 4 लगवा के भी बस हो जाते, सेटिस्फाई हो जाते, नहीं हमने लगवा लिए, नहीं प्रॉपर 7 वैक्सीनेशन लगवाया, जो डॉक्टर जो इंजेक्शन वो लगा रहा है उसका प्रॉपर कार्ड बनवाना, वैक्सीनेशन जो लगा रहा है उसका स्टिकर अपने कार्ड में लगाना, डेट नोट करना कि हाँ इस दिन ये वैक्सीनेशन लगी है और ये वाली लगी है, ताकि कल को कोई भी आपके पपी को प्रॉब्लम आती है तो आप देख सको कि उसको वैक्सीनेशन कौन सी लगी थी, किसने लगाई थी। बकायदा अपने डॉक्टर से साइन करवाओ कार्ड पे, ताकि कल को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको बोल सको। नेक्स्ट वैक्सीनेशन 1 वीक के बाद लगेगी, फिर उससे नेक्स्ट 10 डेज के बाद, कुछ कुछ 21 डेज के बाद भी लगती है, तो वो आपको आपका वेट गाइड करता रहा करेगा, उससे आप पूछते रहना कि नेक्स्ट कौन सी लगेगी, और टाइम टू टाइम उसको वैक्सीनेशन देते रहना। अब बात आती है कि 3 मंथ्स के बाद उसको क्या खिलाना है। 3 मंथ्स के बाद आप उसको कर्ड राइस दे सकते हो, कर्ड चपाती दे सकते हो, चपाती उसके अकॉर्डिंग कि वो कितना खा सकता है। स्टार्टिंग आप 2 से इतना वो खा सकता है उसको आप खिलाओ, क्योंकि वो बाद में खाना छोड़ देगा, बाद में वो इतना नहीं खाते हैं बड़े होने के बाद, सिर्फ ये 1 साल तक ही इतना जो डाइट लेते हैं वो लेते हैं, उसके बाद वो उसकी डाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो आप क्या क्या दे सकते हैं, अब ये क्वेश्चन आता है कि आपको क्या, सिर्फ कर्ड रोटी, कर्ड राइस, यही चीज़ें तो नहीं चलेंगी, और क्या दे सकते हैं। और हम लोग दे सकते हैं इनको नॉन वेज, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं नहीं खिलाते, तो वेजिटेरियन के लिए आप जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उसको बॉयल करके, जैसे कि
घिया होता है, पम्पकिन होता है, ये सारी चीज़ें आप बॉईल करके उसको खिला सकते हो। अगर वो अगर आप स्टार्टिंग से हैबिट डालोगे तो वो खाएगा, ये कंफर्म है कि वो खाएगा। अगर स्टार्टिंग से हैबिट डालते रहोगे तो आप वो दे सकते हो। जो नॉन वेजिटेरियन है वो आप एग खिला सकते हैं और नॉन वेज भी दे सकते हैं। समर का डाइट बताते हो, समर में आप वेजिटेबल्स दे सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स बॉयल करके विदाउट स्पाइसेस, विदाउट ऑयल, कुछ नहीं डालना, कुछ भी, सिर्फ बॉयल करके उसको खिलाना है। बिल्कुल अपने डॉग को ख़राब मत कर देना, कुछ नमक मिर्ची या फिर मीठा खिला के, कुछ नहीं, बिल्कुल टेस्ट भी नहीं करवाना, चॉकलेट भी नहीं खिलानी है, कोई मीठा या केक लेके आ रहे हो चलो चलो डॉगी को भी खिला दे, उसको भी, उसका भी मन करता है, ऐसा कुछ नहीं करना। प्लीज़ हाथ जोड़े आप लोगों के आगे, बिल्कुल टेस्ट भी नहीं करवाना। अगर आपका मन करता है कि उसको चॉकलेट खाने का, डॉग चॉकलेट मिलती है, डॉग वाइन मिलती है, डॉग बियर मिलती है, प्लीज डॉग वाला ही सामान लेके आओ। क्योंकि जैसे अगर हम डॉग फीड की बात करें, हम लोग तो नहीं खा सकते, वो खाओगे अगर आपको कहे कि चल यार डॉग खा रहा है तुम भी खा लो, थोड़ा सा खाओगे, नहीं खाओगे, क्योंकि आप खा ही नहीं सकते, आप बीमार हो जाओगे अगर वो चीज खाओगे। तो ऐसे ही सेम जो चीज हम खाते हैं वो डॉग के लिए नहीं बनी, प्लीज कृपया करके आप अपने डॉग को अपना सामान ना खिलाएं, वरना आपकी डॉग की जो है एज कम होती जाएगी। जहाँ उसने 10 साल जीना होगा वहाँ वो 4-5 साल ही जिएगा। तो ये आप लोगों के हाथ में ही है कि आप उसको कितना हेल्दी रखना चाहते हो। बिल्कुल बेस्ट है, चाहे आप तीनों टाइम कर्ड उसको खिलाते रहो तो भी खा सकता है। आप उसको एग दे सकते हो समर में भी, बट जो येलो योग होता है वो निकाल के वो दे सकते हो, वाइट पार्ट जो होता है वो दे सकते हो, पेडिग्री दे सकते हो। अगर आप स्टार्टर ले रहे हो ना तो आप रॉयल कैनन से स्टार्ट करना, क्योंकि उससे डाइट अच्छी हो जाएगी, उसकी बॉडी अच्छी हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी। धीरे धीरे करके अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप पेडिग्री पे आ सकते हो, नहीं तो आप रॉयल कैनन पे ही रहने दो, बट बहुत कम देना है समर में, क्योंकि वो ऑलरेडी गर्म होती है और गर्मियों में गर्म चीज़ें नहीं देते हैं, ठंडी चीज़ें देते हैं जैसे कि दही वगैरह, कर्ड वगैरह, वो चीज़ें देते हैं। तो आप थोड़ा ही दो अमाउंट में, बट दो थोड़ा थोड़ा करके। फिर बारी आती है विंटर्स में, विंटर्स में आप उसको फीड दे सकते हो, जैसे दो मुट्ठी करके ऐसे डाल के दे दिया, और एग दे सकते हो, मीट दे सकते हो, ये उसके लिए बेस्ट रहेगा। अब मैं बात करती हूँ अपने रिची की डाइट की, कि रिची क्या क्या खाता है। रिची खाता है, सुबह उठता है 7 बजे, फीड खाता है पेडिग्री की, थोड़ी सी, इतनी सी हम लोग उसको फीड देते हैं, वो खाता है 7-8 बजे, जितने बजे भी वो उठ के बाहर निकलता है अपने रूम से, उसको पापा वो फीड डाल देते हैं। उसके थोड़ी देर बाद 12, 11, 12, 1 बजे, मतलब कोई टाइमिंग ऐसे फिक्स नहीं है हमारी, वैसे टाइम फिक्स रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बट हमारे यहाँ ऐसे हैबिट नहीं बनी उसकी। तो 12 बजे के करीब वो खाता है रोटी और दही, 4 रोटी खाता है, कभी 5 भी खा लेता है। वो हमें पता लग जाता है उसके फेस को कि यार इसको बहुत तेज़ भूख लगी होती है, तो वो पीछे पीछे किचन की तरफ ऐसे देख रहा होता है कि हाँ खाना मिलेगा, तो पता लग जाता है उसको भूख लगी हुई है ज़्यादा। तो हम 4-5 फुलके उसको डाल के दही के साथ दे देते हैं। फिर वो दोपहर को लस्सी पीता है, जैसे कर्ड में थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको पतला करके, उसमें बर्फ़ के पीसेस डालकर, बर्फ़ उसको बहुत पसंद है, बर्फ़ के चक्कर में ही वो चीज़ें खा लेता है। मतलब ऐसी चीज़ें आपको भी ढूंढनी पड़ेंगी जिसके चक्कर में वो आपका डॉग जो है डाइट खा ले अपनी डाइट को। तो हम जैसे कभी कभार खाता नहीं तो हम बर्फ़ डाल देते हैं कि चलो इसी बहाने वो खा लेगा, लस्सी पी लेता है। फिर शाम को जैसे हम लोगों ने उसके लिए ट्रीट्स वगैरह लेके आई हुई है, अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना डॉग की, भरपूर ट्रीट्स हैं, बहुत सस्ती सस्ती मिल जाती है, 150-145 से स्टार्टिंग होती है, और जितना मर्जी आप जितना आगे तक जा सकते हो आप ले सकते हो, तो वो आप मंगवा सकते हो। फिर आप जैसे हम भी खाते हैं चाय, बिस्किट खा रहे होते हैं, वो भी देख रहा होता है, भाई उसका भी स्नैक टाइम, उसको भी कुछ खिलाओ, तो उसके लिए भी थोड़ी थोड़ी ट्रीट्स आप ला के रखो, डॉग बिस्किट, डॉग स्टिक्स, जो भी आपको अफोर्डेबल लगे आप वो ला सकते हो, और आप उसको वो उसको दे सकते हो। फिर रात का खाना आप उस रिची जो है एग खाता है अभी समर में, येलो योक निकाल के वाइट पार्ट जो हम लोग उसको दे देते हैं, 5 चपाती खाता है, कभी 6 भी खा लेता है, फिर वो खा के आराम से वो सो जाता है। तो ये हमारे रिची की डाइट, बीच बीच में खाना छोड़ देता है, फिर हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है क्योंकि वो बोर हो जाता है। हम एक ही चीज़ जैसे हम लोग नहीं खा सकते वैसे वो भी नहीं खा सकते, तो डॉग ग्रेवी आती है एक टाइम पे, आप वो भी दे सकते हो। मैं डॉग ग्रेवी प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि पता नहीं होता कितने टाइम पहले का उन्होंने पैक करके रखा हो या कुछ भी है, पता नहीं होता, तो मैं बहुत रेयर ही उसको देती हूँ जब ये बिल्कुल खाना छोड़ देता है। और एक चीज़ और मैं बताऊँगी, बिग मतलब मिस्टेक ये वाली बिल्कुल मत करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है लोगों की, जैसे खाना नहीं खा रहा है तो आप हाथों से खिला दो, चलो मेरा बेटा खा ले, चलो मेरा बच्चा, ठीक है प्यार करते हो माना, चलो नहीं खा रहा हमें भी दुख होता है, बट ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करता। एक दिन नहीं खा रहा, 2 दिन नहीं खा रहा, 3 दिन नहीं खा रहा, हफ्ता नहीं खा रहा, मत खिलाओ, मैं फिर से रिपीट करूँ, मत खिलाओ। आपने क्या करना है, आज नहीं खाया उसने, वेस्ट किया खाना, ठीक है पड़े रहने दो, नहीं खाता ना खाए,
नेक्स्ट डे हाफ चपाती लेनी है, वो डाल के देखनी है खा रहे हैं तो और डाल दो, नहीं खा रहा छोड़ दो, मत बोलो, दोबारा यही ट्राई करो, हाफ चपाती लो, खा रहे हैं ठीक है। जब अगर उसको भूख लगेगी ना, बाहर से पत्थर उठा के भी खाएगा, सॉरी पत्थर उठा के भी खाएगा वो बाहर से। इसलिए ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि हाथों से खिला दिया ये वो मेरा बच्चा हो ना शोना मेरा फूल, ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, हाथों से नहीं खिलाना है, खुद से खाने देना, नहीं खाता ना खाए, हफ्ता ना खाए, दो हफ्ते ना खाए, खाएगा, ऐसा नहीं है हफ्ता नहीं खाएगा, खा लेगा, भूख लगेगी खाए। ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो कि आप ट्रीट्स लेके आओ इनके लिए, या इसको जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है डॉग बिस्किट्स ले आओ, 150 रुपये का पैकेट आता है, उससे आप इसको ईजिली सिखा सकते हो उसको, मतलब उसको आपको ट्रीट का लालच देना है ताकि वो उस लालच में वो चीज़ें कर सके। मारना नहीं है, डांट सकते हो, मारना नहीं है, कुछ चीज़ सिखाते हो एक लिए उसकी लाइफ को, मतलब ऐसे नहीं कर देना कि हाँ वो सच में कुत्ता है और आप उसको कुत्ते की तरह ही ट्रीट करो, ऐसा नहीं करना है, नहीं करता ना करो, उसकी लाइफ उसको इंजॉय करने दो, बस हाँ उसको कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि जैसे किसी के बाहर के हाथ का कुछ खाना नहीं खाना, या किसी के घर नहीं जाना, किसी के साथ नहीं चल जाना, ये दो तीन चीज़ें उसे पता होनी चाहिए ताकि उसके फ़ायदे के लिए, ये नहीं है कि वो कुत्ता है तो उसको ट्रेन कर रहे हो आप कि ऐसे कर ऐसे कर ऐसे, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत बस उसको ट्रेन करना, धीरे 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 पेशेंस के साथ वो सीख जाएगा। अगर आप लोगों को वो भी वीडियो चाहिए कि कैसे ट्रेन करना है तो मैं वो भी बना दूंगी, बाकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है हाउ टू ट्रेन योर डॉग, कुछ कुछ पार्ट्स हैं उसमें वो आप देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बाकी अगर आपको और ब्रीफ में चाहिए, जैसे मैं अभी बता रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ बताने का, तो मैं ऐसी वीडियोज़ भी आपको बना के दिखा दूंगी। बाकी अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ आप मुझे DM करना इंस्टाग्राम पे या कमेंट में बताना, मैं और वीडियोस लाऊंगी, अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी फर्स्ट वीडियो ऐसे एक्सप्लेनेशन वाली है, सो प्लीज़ सपोर्ट करना मुझे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को हेल्प मिली हो, थोड़ी बहुत ही मिली हो, कुछ कुछ पॉइंट्स अगर रह गए हो तो प्लीज़ मुझे बताना, सजेस्ट करना, मैं और वीडियोस लेके आऊँगी और पार्ट्स ले आऊँगी इस वीडियो के, और ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहो, जीजी को अपना प्यार देते रहो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि मैं और वीडियोस बना सकूँ। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।